हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। और कई बच्चों के लाइक एग्जाम हो गए, अब नए ग्रेड में आप आ गए, ठीक है। पर ये वो समय भी है जब अपने आप को आप एकेडमिक के अलावा भी कुछ चीज़ें में आपको अब तैयार करना होगा, चाहे आप नाइन्थ के बाद टेंथ में आए हो या टेंथ के बाद इलेवेंथ में आए हो, ठीक है, या एट्थ के बाद नाइन्थ में आए हो। तो यहाँ पर कौन दिख रहा है भाई, कौन है? सो ये बेसिकली रिद्धि मैम है, इनके कुछ लेक्चर्स आपने यहाँ पर देखे होंगे, ठीक है, खासकर इलेवेंथ ट्वेल्थ की सेगमेंट में, ठीक है। तो रिद्धि मैम जो है बेसिकली शी इज़ एक्सपर्ट इनटू टू स्किल्स, ठीक है, और जो आपको जिसका कंटेंट बेसिकली जो है धमाकेदार कंटेंट आपको मिलने वाला है ऑन यूट्यूब इट्सेल्फ, ठीक है। और सो दो कौन सी चीज़ें हैं, पहला है द इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला पार्ट, और जो दूसरा है वो है सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। कई लोगों को यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स नहीं पता होगा, तो जब आप मतलब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें, द स्वीट साइंस मैथ्स एवरीथिंग, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको कहा जाता है ऐसे। सो दिस इज एग्जैक्टली द एकेडमिक, और इससे रिजल्ट तैयार होता है जो हम दिखाते हैं, ठीक है, जब इंटरव्यूज होते हैं ना एवरीथिंग। पर जो इंटरव्यू जब आप अब लाइफ में जब आगे बढ़ोगे, आप कहीं पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो और भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस आता है, जिसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है ना, जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, लीडरशिप आती है, टीम वर्क आता है। ये सब चीजें क्या है, दीज आर सॉफ्ट स्किल्स। इनको देखी नहीं जा सकती, पर इसका इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है। और जो सॉफ्ट स्किल में अगर बाजी मार गया ना, वो हर जगह बाजी मार जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इट इज नॉट ओनली द एकेडमिक दैट डिसाइड्स, है ना, जो बोलते हैं ना, हाँ, एक पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, तो बेसिकली वो दूसरी बात यही होती है। सो अब यहां पर भले ही लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अवेलेबल, ठीक है, ये चीज यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होगी, जिसका पहला वीडियो जो है मैं शायद इसके बाद, जैसे ही ये सेशन का वीडियो आप देख लोगे, उसके बाद या अगले दिन या सेम दिन जो है वो दिख जाए, ठीक है। सो रिद्धि मैम के सिर्फ एक ही वीडियो नहीं होंगे, इट विल बी सेट ऑफ 13 वीडियोज, टोटल 13 वीडियोज हैं, बहुत बड़े बड़े भी नहीं है, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट के आसपास, कैसे टोटल 13 वीडियोज हैं, जिसमें उन्होंने पहले आपके 9 वीडियोज में जो लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारी स्किल्स का मतलब एग्जैक्ट जो एप्लीकेशन है जिसमें आपको मजा आएगा, वो चीजें यहाँ पर है, इंटरेस्टिंग वे में बताया मैम ने, ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज है ये चीज। एक्चुअली जब हम यहाँ पर मतलब इनका और मैं आपको और बताऊँ कि इन टर्म्स ऑफ टैलेंट अगर सॉफ्ट स्किल की बात करी जाए, तो ये कई जगहों पे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ ट्रेन, जो होते ना, जब आप मतलब किसी कंपनी में अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर जब ट्रेनिंग देनी होती है, वहाँ पर काफ़ी जगहों पे जाती हैं, इनके सेमिनार्स होते हैं। सो बेसिकली काफ़ी कुछ है जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, राइट? तो मैं बता रहा था पहले 9 वीडियोस विल बी अबाउट स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ठीक है, और जो 10वां वीडियो है दैट इज ऑल रिलेटेड टू द राइटिंग में ही, जो आपके ग्रामर वाला थोड़ा पार्ट हो सकता है, ठीक है, टेंसेस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, जो आपने शायद पढ़ा तो है पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वहां पर रहेगा। इनफैक्ट 10th वीडियो, 9 वीडियो में वो सब राइटिंग वाला आ गया ऑलरेडी, ग्रामर भी आ गया। 10th वीडियो में क्या है, जो कॉमन सेंटेंसेस आप यूज करते हो, कई बार होता ना आपको क्लासरूम में डाउट आया तो आप सोचते हो भाई कैसे मैं इसको इंग्लिश में पूछूं, या मुझे कोई बात कन्वे करनी है टीचर को, किसी को बताना है तो इंग्लिश में कैसे कन्वे करूं, तो ये वो 10th वीडियो उस बारे में होगा, ठीक है। बाकी के जो 3 वीडियोज हैं दे आर अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज अबाउट द टास्क मैनेजमेंट, इट इज अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको इन 13 वीडियोस में इन टोटल मिलने वाली है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इसमें वैल्यू कैरी हो रहा है। तो देखो कभी भी आप ये बात याद रखना, व्हेनेवर इट इज फ्री, तो हमारे दिमाग में आता है फ्री में क्या ही होगा, है ना, क्या ही होगा, पर उसी में दाम लग जाता है तो यू गेट गया भाई यार इसमें मजा आ गया, बहुत जबरदस्त चीज है। ये एटीट्यूड बिल्कुल कैरी ना करना, और जब आप पहला वीडियो देखोगे ना तो आप बताना कमेंट करके एग्जैक्टली What value you are feeling, definitely बताना, ठीक है। और इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं, मिलते हैं सेशन में, ठीक है। आप जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, ठीक है, चाहे आप 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो, 11, 12, कोई फर्क नहीं पड़ता ये सबके लिए, ठीक है। सो इसी के साथ मिलते हैं गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है वैसे, ठीक है, कुछ और चीजें हैं जो आपके ला रहा हूं।
बाय।